भगवान, देवता, गॉड जितने भी नाम ले सब एक को ही जाता है, भगवान को। हमारी सभ्यता में 57 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें से ज्यादातर भगवान को तो हम जानते ही नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी हिंदू सभ्यता की तरह एक सभ्यता है जिसे ग्रीस सभ्यता कहते हैं। ग्रीस सभ्यता ग्रीक के लोगों की मान्यता है। ग्रीक लोगों के मुताबिक इस दुनिया में सबसे पहले ग्रीक के भगवान आए और उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया। ग्रीक के देवता सुनने में जितने खतरनाक लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनका स्वरूप भी है। तो आप इस वीडियो में ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ग्रीक के भगवानों के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो में ऐसे ही टॉप ग्रीक के भगवानों के बारे में जानेंगे जिनसे पूरी दुनिया डरती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। ग्रीक भगवानों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं जीजस। जीजस दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं। उन्हें सारे गॉड का राजा भी कहा जाता है। देवराज यानी कि देवताओं के राजा के साथ साथ उन्हें आसमान का भगवान भी कहा जाता है। ग्रीक लोगों के मुताबिक इस आसमान की संरचना जीजस ने ही की है। और जीजस के हथियार के रूप में देखें तो जीजस के हथियार के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा बिजली लगता है। वो बिजली को अपना हथियार बना के रखते हैं। जीजस को इस दुनिया का राजा कहा गया है। जीजस के वजह से ही यह दुनिया भी बनी है ऐसा माना जाता है। जीजस के बाद दूसरे नंबर पे आता है पोसाइडन। पोसाइडन जीजस का भाई है। जीजस ने पोसाइडन को यानी कि अपने भाई को समुद्र का राजा भी बनाया है, यानी कि उसे समुद्र का देवता भी बनाया है। जो लोग यानी कि जो ग्रीक में रहते हैं और जो ग्रीक के समुद्र के पास रहते हैं उनके लिए पोसाइडन ही उनका भगवान है। ग्रीक सभ्यता के मुताबिक पोसाइडन बहुत ही गुस्से वाले भगवान हैं। अगर वो किसी पे खुश हो जाए तो उसे तुरंत ही धनवान बना सकते हैं और अगर किसी पे दुखी हो जाए तो उसका सर्वनाश भी कर देते हैं। हमारी ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ग्रीक भगवान की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है एफ्रोडाइट का नाम। एफ्रोडाइट और कोई नहीं बल्कि जीजस की ही बेटी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो समुद्र से ही पैदा हुई थी। ग्रीक सभ्यता के मुताबिक एफ्रोडाइट लव, ब्यूटी और सेक्स की भगवान है। ग्रीक के लोग इन्हें प्यार का प्रतीक भी मानते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये प्यार की देवी है। हमारे ताकतवर और खतरनाक भगवानों की लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं अपोलो का नाम। इन्हें पूरे ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे जवान भगवान कहा गया है, यानी कि कम उम्र में भगवान बनने की उपाधि इन्हें के नाम है। अपोलो एक लौते ऐसे भगवान हैं जो कि सबसे प्यार करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं और ग्रीक लोगों के मुताबिक ये उनके सबसे अच्छे भगवान माने जाते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी और किताबों के मुताबिक पांचवें नंबर पे आता है आर्टेमिस का नाम। ये अपोलो की ट्विन सिस्टर है, यानी कि अपोलो की जुड़वा बहन। इन्हें चांद का भगवान माना गया है। इन्हें डॉग से बहुत प्यार है, यानी कि ये कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ग्रीक सभ्यता के मुताबिक इन्हें तीर धनुष चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो ये थे ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक सभ्यता के सबसे खतरनाक और ताकतवर भगवान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार।